टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज जज्बा सच दिखाने का। हैदराबाद में रेप के बाद प्रियंका रेड्डी की हुई निर्मम हत्या मामले में हत्यारों को फांसी की मांग को लेकर बुलंदशहर में सड़कों पर उतरे शिवसेना कार्यकर्ता। शिवसैनिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम बुलंदशहर डीएम को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में चारों दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की उठाई गई मांग। ये हम इसके लिए कर रहे हैं, ये प्रियंका डॉक्टर प्रियंका इसके साथ में जो हुआ है उसके लिए आए हैं ज्ञापन। जैसे जिस तरीके से प्रियंका के साथ हुआ है ना, इसी तरीके से उन चारों दरिंदों के साथ होना चाहिए, उसी तरीके से जलाना चाहिए जैसे उस लड़की के लिए जलाया गया है। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग हमारी है ये कि अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो जनता के हवाले करो उन लोगों को, फिर हमें जैसा करना होगा वैसे करेंगे हम। आज आप लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में आए, क्या पर्पज क्या है? आज हम जो कलेक्ट्रेट में आए, हमने माननीय प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया है माध्यम जिलाधिकारी महोदय के लिए। जो तेलंगाना में हैदराबाद में जो प्रियंका रेड्डी के साथ जो अनहोनी हुई है, जिस तरीके से दरिंदों ने वहाँ पर बलात्कार किया है और जिस तरीके से उनको जलाया है, ये बड़ा एक सोचने का विषय है। जब हमारे देश में हमारी बहन बेटी और हमारी माताएं बहनें जिनका सम्मान नहीं रह रहा है, जिनकी आबरू लूट रही है, ऐसी सरकार सोई हुई है, ऐसी सरकार को जगाने के चक्कर में हमने प्रधानमंत्री महोदय को आज ज्ञापन दिया है और उनसे आग्रह करते हैं कि जिस तरीके से और कंट्रियों में क्या कहते हैं सरेआम फांसी लगाकर एक सजा दी जाती है अपराधी को, बलात्कारी को, उसी तरीके से हिंदुस्तान में इस तरीके का एक नियम लागू हो जिससे आम जनता में जैसे दरिंदे जो भेड़िए जो घूम रहे हैं उनमें एक दहशत का माहौल हो। प्रदर्शन में बुलंदशहर शिवसेना के जिलाध्यक्ष सर्वेश राणा के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी कलेक्ट्रेट में रहे मौजूद। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का।